दोस्तों मैं आज हूँ डी श्रिम्स इंडिया में, और डी श्रिम्स इंडिया में आज मैं अलग अलग वेराइटीज के एक्वेरियम फिश है वो कवर करने वाला हूँ। डी श्रिम इंडिया हमेशा एक्सोटिक एक्वेरियम फिश है वो रखते हैं, ज़्यादातर जो प्लांटेड एक्वेरियम फिश रहते हैं तो उसका स्टॉक यहाँ पे आपको मिलेगा। और श्रिम्स की भी काफ़ी अच्छी वेराइटीज रहती है जो आपको श्रिम्स किसी भी शॉप में अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो श्रिम्स आपको यहाँ पे मिलने के। तो दोस्तों हमारे साथ है डी श्रिम्स इंडिया के ओनर जिनका नाम है सुजीत। सुजीत भाई पहली बात तो काफ़ी आपका शुक्रिया, आपका ये सेटअप है वो कवर करने का मौका दे रहे हो, और आपने अभी रिसेंटली सेटअप भी चेंज किया है तो हमारे जो प्रीवियस जो व्यूअर्स थे उन्होंने देखा रहेगा, एक आपने यहाँ पे एक टैंक रखा था जो कुछ 5 फीट का था ना, राइट 4 फीट का। हाँ तो अभी आपने एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस किए हैं आपके ये स्टोर में? अभी ऑलमोस्ट तो वो टैंक निकाल के उसकी जगह एक मैंने रैक बिठा के वहाँ पे 3 टैंक 6-6 फीट के लगाए। अच्छा अच्छा, प्लांटेड के लिए ऑलमोस्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट रहते हैं कि सर हमको प्लांट्स तो उनको मिल नहीं पाते एंड मोमेंट पे, तो मैंने वही सोच के एक वही 3 टैंक बनाए कि एक स्टेम प्लांट के लिए बनाओ, एक एपिक्स प्लांट्स के लिए बना दो, और एक नॉर्मली जो रेगुलर काबुम्बा वो सब रहता है लोकल प्लांट्स उनके लिए बना दो। उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करके 3 टैंक बना दिए है। तो 3 टैंक कौन से सर? ये फर्स्ट है ना? ये फर्स्ट है। अच्छा, और सेकंड? ये सेकंड है, इस पे अच्छा। और भी काम चालू है। अच्छा अच्छा, और नीचे साइड है उस पे और करना काम बाकी है। अच्छा, ये थर्ड वाला ना? ये थर्ड वाला है। यस, यस। जो लोकल प्लांट्स के लिए है। तो अभी फर्स्ट वाला है जो टैंक, वो अपना ऑलमोस्ट रेडी है, उसपे काम भी हो गया, उसमें से प्लांट्स भी सेल होना चालू हो गए। अच्छा। हाँ, 2-3 बार उसका कटिंग सब चला गया है। 2-3 हफ्ते में उसका कटिंग निकल ही जाता है, वो सब ऑलमोस्ट चला ही जाता है। अच्छा, तो सुजीत भाई अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर करने के लिए फिश। तो यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ कि गप्पी फिश का काफी अच्छा स्टॉक आया है और एंडलर्स है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कौन से एंडलर्स है? ये रेड स्कारलेट एंडलर है, बाहर से इम्पोर्ट होके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें मेली आते हैं, इम्पोर्ट होके जो भी आ रहा है गप्पी में, एंडलर्स में जो हमेशा आता है वो मेलसी आता है। अच्छा, मेलसी। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट रहते है कि फीमेल्स भी चाहिए लेकिन दे नहीं पाते अगर ये इम्पोर्ट होता है ये चीज, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ लोकली ब्रीड करने के लिए उनको फीमेल भी दे पाऊँ। अच्छा, और अभी ये सेकंड वेराइटी ये भी सेम है कि कोई अलग है? ये लाइटल एंडलर है। अच्छा, ये लोकली भी मतलब है, अवेलेबल है, लेकिन ये जो इम्पोर्ट होके क्वालिटी आया और थोड़ा उसका टेल वो सब बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा, हिसाब से ये ना? हाँ ये। और अभी इसमें मैं ब्लूइश कलर में भी देख रहा हूँ, ये जापानीज ब्लू है। अच्छा, हाँ ये डबल स्वॉर्ड आता है इसमें। ये अभी मेरे को भी 1 साल बाद ही ये स्ट्रेन मिला और इंपोर्ट होके 1 साल बाद ही आया है। और यहाँ पे ये कौन सी फिश है? ये है पांडा गारा है। अच्छा। हाँ, जो ऑटो जैसा काम करते है, ऑटो सिंकलर जैसा, उससे भी बेटर वर्क है, बट इसका और एक खासियत है कि इसका मॉर्टेलिटी लेस है। अच्छा। हाँ, जो ऑटो का हमेशा होता है कस्टमर के टैंक में 2-3 महीने बाद या कभी सडनली हो जाता है टैंक में, तो इसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तुरंत सेट हो जाती है 2-4 दिन में। अभी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेकोज है और यहाँ पे रेड विप्टिल भी मैं देख रहा हूँ जो काफ़ी हमें रेयरली देखने को मिलता है ऐसी साइज। तो अभी जो मैं फर्स्ट कवर कर रहा हूँ प्लेको ब्रिस्टल नोज है ना ये? हाँ, ये ब्लू आई ब्रिस्टल नोज है ये। अच्छा। भी ये सब आया है, इम्पोर्ट होके आया है। हाँ हाँ, तो ये देखने में जो भी अल्बाइनो ब्रिस्टल है उससे भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा अच्छा, इसका प्राइस रेंज भी वैसे उससे 3-4 गुना ज्यादा ही है, बट देखने में भी अट्रैक्टिव है।
अरे अभी जो रेड विप्टल में कवर करे आपका खुद का ही है ना? हाँ, ये डिस्प्ले पीस है, लेकिन आपको इसमें चाहिए तो जुवेनाइल पीस अराउंड 1.5-2 इंच के मिल जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा रिक्वायरमेंट है तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ सर। एडल्ट आते नहीं इसमें इम्पोर्ट हो के, अगर एडल्ट आते है तो एडल्ट भी दे पाऊंगा, लेकिन इतने अभी 2 साल में एक ही बार एडल्ट आए थे, उसके बाद आए ही नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ ये ऑटो सिंकलस। अच्छा हाँ, ऑटो सिंकलस भी मैं कम रखता हूँ क्योंकि उसका पांडा गारा और बाली तोरा सुकाटियो एलिगेटर के बाद उसका थोड़ा बहुत डिमांड नीचे आ रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से दूसरे ये इधर रहेगा तो आइडिया नहीं, बट मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटिव फिश अच्छे से इसके कंपेयर में अच्छे से काम कर रहा है तो उसका सेलिंग ही ज्यादा हो रहा है। रेड कलर में कौन सी फिश है? ये स्कारलेट वेडीज है, ये अपने इंडिया का नेटिव फिश है, वेस्ट बंगाल से आता है ये। सबसे अट्रैक्टिव ड्रॉप चिकलेट वेराइटी, ड्रॉप से भी ड्रॉप चिकलेट वेराइटी है, जो ड्रॉप चिकलेट अपना रामा रोजे और एपिस्ट्रोग्रामा हो गया उससे भी ये छोटा है। अच्छा, दिखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है तो उसका प्राइस रेंज भी एकदम छोटा है और प्लांटेड में अच्छे से सूटेबल है। तो यहाँ पे भी सेम ही है क्या कि वो? हाँ सेम ही है, उसमें मेल फीमेल। अच्छा, मेल फीमेल है क्या? सारे अवेलेबल। अच्छा, ये बाली तोरा है, जैसे बताया है कि ऑटो सिंकलस, इंडिया का ऑटो सिंकलस जिसको बोला जाता है। अच्छा, ये बाली तोरा है जो डायटोम्स पे काम करता है। अच्छा, ब्राउन एल्गी पे। उससे भी ऑलमोस्ट हाफ रेट में इसका प्राइस रेंज है। अच्छा, ऑटो सिंकलस से। हाँ, तो बेटर है कि इंडियन नेटिव फिश को सपोर्ट किया जाए तो बेटर रहेगा, उसका प्राइस रेंज जितना नेटिव फिश को आप सपोर्ट करोगे उतना आपको रिजनेबल भी मिलेगा, उतना प्राइस रेंज भी कम मिलेगा। अच्छा, ये है वही बाली तोरा का ही वेराइटी जिसको सुकाटियो बोलते हैं। हाँ हाँ, ये भी बाली तोरा जैसा ही वर्क करता है, इसका ऑलमोस्ट शायद ये ब्लैक बियर्ड एल्गी पे भी शायद काम करता है, मैंने इतना थोड़ा रिसर्च में देखा है कि थोड़ा ब्लैक बियर्ड एल्गी पे भी मतलब काम कर लेता है। बहुत सारे स्टोर कवर करता हूँ तो ऐसी स्पेसिस तो जो है हर कोई नहीं रखता है। राइट राइट, ये अभी अभी यहाँ पे मुंबई में आने लगा है ऑलमोस्ट, ये कोई रखता नहीं है, सबको ऑटो सिंगलस ही पता है। हाँ, इस हिसाब से आप एक तो पांडागारा, अगर आपको मॉर्टेलिटी नहीं चाहिए तो बेटर रेंज है पांडागारा जाओ, और रिजनेबल आना है तो बाली तोरा और सुकाटियो है। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बाद में यहाँ पे मैं नीचे देख रहा हूँ ये अपना कॉमन अल्बाइनो शॉर्ट टेल ब्रिस्टल नोज है, जो आपको कॉमनली किसी भी शॉप में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। जो पहले बताया ब्लू हाई ब्रिस्टल नोज, इससे भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। अच्छा हाँ, उसका येलो कलर और इसका येलो कलर में भी बहुत डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। हाँ, वो लाइट येलो लेमन येलो जैसा रहता है, उसका ये गोल्डन येलो जैसा रहता है। अच्छा अच्छा, ये इवन सोफी रैम्बो है। अच्छा, पहली बार एक ही बार इंडिया में आया था, तब से लेके अभी तक कभी आया नहीं इंडिया में। अच्छा, ये बहुत रेयर वेराइटी में से एक है। ये क्या साइज साल ग्रोथ है कि इसका ये लार्ज साइज है? नहीं, ये हो जाता है 1.5 इंच तक ग्रोथ हो जाता है, जैसे पॉक्टल वो सब पास्का ही रैम्बो, उसके उसका ही वेराइटी है ये, उसके फैमिली से बिलोंग करता है। अभी शायद से वो फिर से प्लांट में गए लगता है। राइट राइट राइट, ऊपर है बहुत ज़्यादा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिस्प्ले। अभी ये जुवेनाइल है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इसका ब्यूटी, अदरवाइज कभी किसी ने देखा भी नहीं है, शॉपकीपर ने भी नहीं देखा और किसी होलसेलर ने भी नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जब आया था सब बच्चे ही थे। ये शॉर्ट बॉडी ट्रेडफिन रैम्बो है,
अच्छा हाँ, ये भी अभी तक किसी के पास ही आपको शायद मिलेगा नहीं है। थोड़ा दिखने में ये भी अट्रैक्टिव है और कुछ अलग ही दिखता है। यस, नॉर्मल ट्रेडफिन से भी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा हाँ, उससे मतलब 3 गुना ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है नॉर्मल ट्रेडफिन से भी। बहुत ही रेयर वेराइटी है ये शॉर्ट बॉडी ट्रेडफिन। ये हाइब्रिड है वैसे। अच्छा हाँ, ये तो मैनमेड है वैसे, लेकिन रेयर वेराइटी में से एक है। कोई भी शॉर्ट बॉडी फिश जो भी है वो मैनमेड ही है। अच्छा हाँ, और ये अपना इसका इतना साइज है कि और भी इसका बढ़ेगा साइज? इसका आपको वैसे तो नॉर्मली जो ट्रेडफिन आते हैं जो लॉन्ग बॉडी होते हैं वो 2 इंच तक चले जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, उसके हिसाब से 1.5 इंच तक तो चले जाएंगे। अच्छा, अभी तक इसका एडल्ट साइज किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मेरे पास इसमें से एक लास्ट साइज है, वो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, यस यस हाँ, इसमें से एक लास्ट साइज है, वो 1 इंच तक तो है ही वैसे। हाँ, शायद इससे भी बड़ा हो जाए वो, जैसे कि लॉन्ग बॉडी 2 इंच का हो जाता है तो ये 1.5 इंच तक जा ही सकता है। ये है मैकुलाटा रसबोरा। हाँ, जैसे मॉस्किटो रसबोरा वो सब आता है उसमें का ही वेराइटी है, उससे मॉस्किटो से थोड़ा बड़ा ही रहता है, लाइटली बड़ा, 2-3 mm का फर्क रहता है। ये नैनो टैंक के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है, जैसे मॉस्किटो रसबोरा है जैसे 60p या 45p के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सब डॉक रसबोरा से बेस्ट है, स्ट्रीम के साथ भी सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो डी श्रिम्स इंडिया का था, जिसमें हमने अलग अलग वेराइटीज के रेयर अनसीन वेराइटीज है वो मैंने कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डी श्रीम इंडिया का नंबर दिया है, तो उनको आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो जो भी आपको एक्वेरियम फिश चाहिए तो उस रिलेटेड उनसे आप बात कर सकते हो, वहाँ से आपको प्राइसिंग वगैरह सारा है वो मिलेगा, और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके हिसाब से आप जो है वो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।